हालेलुया, जय प्रभु यीशु। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जबकि हम आराधना में प्रवेश कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो, ऊंचे आवाज में उसकी जय जयकार करो, गीतों के द्वारा, संगीत के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, हर एक रीति से हम याह की हम स्तुति करें। हालेलुया। आज के दिन इसीलिए हम अपने मनों को, अपने दिलों को हम तैयार करें इस यहोवा परमेश्वर के नाम के बढ़ाई करने के लिए और उसके नाम को ऊंचे उठाने के लिए। आभारी हृदय से यहोवा को धन्य कहो और यही चीज आज की सुबह हम करने जा रहे हो। मैं चाहूंगा जब हम अपने गीतों को गाएं, हम ऊंचे आवाज में गाएं, ताली बजाते हुए हम यीशु मसीह की हम जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा हम अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं और एक आभारी हृदय से हम धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम गीत गाएं, हम अपने दिल के गीत को हम यीशु की ओर हम उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य हो प्रभु यीशु, आपका नाम धन्य हो, आपका नाम, आप धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, विश्वास योग्य अनुग्रही यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सांस दी है, हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी हमारे पैरों को स्थिर किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और इसलिए भारी हृदय से हम आपको धन्य कहते हुए हम आपके चरणों में आए हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो हमारे जीवनों में, आपका नाम ऊंचा रहे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्य हो प्रभु यीशु के नाम। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो Yeah.
इज्जत सारे जलाल यीशु मसीह के नाम को, हालेलुया। बरकत और इज्जत सामर्थ और महिमा उस यहोवा परमेश्वर, वो प्रतापी यहोवा परमेश्वर को जो सिंहासन पर विराजमान है। यही वो तस्वीर हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखने को मिलता है, जब सारे स्वर्गदूत जो सिंहासन के चारों ओर हैं और उनके साथ वो 24 प्राचीन जो अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हैं, वे सब अपने मुकुट को उतार कर वो उस यहोवा परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। यहोवा के सिंहासन के सामने रखकर कहते हैं, हे मेमने, यहोवा के मेमने, तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा, क्योंकि आप ही का सारा सामर्थ है, आप ही योग्य है, आप ही का महिमा है, आप ही इस तेजोमय महिमा से आप घिरे हुए हो, आप ही योग्य है। पूरे स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे केवल और केवल यहोवा परमेश्वर ही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु। आइए ताली बजाएं हम साथ।
जीवन से उठने दें, ये हमारी चाहत है। हालेलुया, धन्य हो, होने दे कि ये जो स्तुति उठे वो हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा होने पाए। हमारी आज्ञा मानने से आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी प्रशंसा उठने पाए हमारे जीवन से। तू जो कह दे मैं करूंगा, हालेलुया, तू जो कह दे, जो कह दे मैं करूंगा। गाइए, तू जो कह दे मैं करूंगा, अपने दिल पर हाथ रख के, तू जो कह दे मैं करूंगा, ये एक समर्पण है जो हम कर रहे हैं। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। आराधना यीशु तुझे, आराधना
लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है नहीं, मुझे चिंता नहीं। फिर से गाएंगे, जबकि हमारे हाथ उस स्वर की ओर उठे हैं, जो गीत अभी हमने गाया, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सच्चे दिल से जो उसकी आराधना करते हैं, आत्मा की सच्चाई से, दिल की गहराई से उसकी जो आराधना करने वाले हैं, ऐसे आराधकों को वो खोजता है, ऐसे आराधना करने वालों को वो देखता है और उनकी आराधना को ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि हमारे हाथ उस स्वर की ओर उठे हैं, आइए हम अपने मुख को खोलकर, अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। आप अगर अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, वो अन्य भाषाओं में हम उसकी आराधना को करें, क्योंकि वचन बताता है जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांतिरे मेरी खराबा। हालेलुया। हम उसकी आराधना करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में बंधन टूट जाते हैं, आराधना में ही शांति है। हालेलुया।
आराधना में आपका आनंद है और आराधना में ही आपके बोझ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और यदि आज की सुबह हम इस भवन में किसी बोझ के साथ हैं, ओ किसी बंधन के साथ हैं, किसी दुख के साथ हैं, किसी चुनौती के साथ हैं, आइए हम अपनी आराधना को परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शंदरे बरिखा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे वो बंधन टूट जाएंगे, वो बोझ उठा लिए जाएंगे, वो आनंद, वो शांति जो हमारी समझ के परे है वो हमारे दिलों पर अपना कब्जा करेगी। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरिखा, ओ रल्ला लबा शिखेरे बेरे बेरे बे शांदरो बोरिखा रबा, ओ रल्ला लबा शिखेरे बेरे बेरे बे शांदरो बोरिखा रबा। हालेलुया परमेश्वर, परमेश्वर, हालेलुया। हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो आज की सुबह मैं आप सबसे ये विनती, ये अनुरोध है, अगर इस भवन के भीतर हम आज किसी चुनौती के संग, किसी बोझ के संग, किसी बीमारी के संग अगर आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें चंगा करने के योग्य है। हालेलुया। वो छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बंधनों को तोड़ने वाला और बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज की सुबह हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को, अपनी बीमारियों को उसके सिंहासन के सम्मुख रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। वो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन क्या आज की सुबह हम तैयार हैं कि अपने बोझों को उसके सिंहासन पर रख दें, उसे सौंप दें और कहें परमेश्वर मेरी सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की सुबह हम आपके स्वर्ग सिंहासन की ओर देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भजन लिखने वाला इस बात को कहता है कि मैं अपनी आंखों को उस स्वर्ग की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता वहां से आती है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो कभी सोता नहीं है, वो परमेश्वर जो हमेशा मेरे संग चलता है, वो परमेश्वर जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमेशा अपने हाथों को मेरे लिए बढ़ाता है, वो यहोवा मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। इसलिए मैं अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज की सुबह हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं क्योंकि हमारी सहायता आपसे आती है। हालेलुया। क्योंकि आप देखने वाले परमेश्वर, सुनने वाले परमेश्वर, हमारे संग चलने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने समय पर उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम अपनी आवाजों को, अपनी विनतियों को आपकी ओर उठाते हैं आज की सुबह। परमेश्वर होने दे तेरे लोग जो तेरे भवन में एकत्रित है इस महीने के पहले दिन, इस पहले रविवार में, होने दे परमेश्वर, अगर ये बोझों के संग, संघर्षों के संग, चुनौतियों के संग, रोगों के संग तेरे भवन में है, आज की सुबह आप अपनी सेवा को इनके बीच करिए, तेरा आत्मा का चलन इनके बीच होने पाए परमेश्वर, और ये विश्वास और हियाव के संग इस भवन से बाहर जाने पाए कि सच में परमेश्वर ने मुझे छुआ है। हालेलुया। परमेश्वर हम आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, होने दे तेरा पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में होने पाए। सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जलाल और महिमा हम आप ही को देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।
Good morning to everybody, and how is everyone here this morning? सुप्रभात आप सभी को और आज की सुबह आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं. That is very nice. बहुत अच्छे हैं. Praise the Lord. That is very nice. And somebody called Jesus good master. और किसी ने प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा स्वामी, एक भला स्वामी कह करके बुलाया. When he was here on earth, जब वो इस पृथ्वी पर था, someone important came and he said, "Good master." और उसने इस प्रकार कहा कि तू एक अच्छा स्वामी है. And then Jesus said, और उस प्रकार यीशु ने कहा, "Why do you call me good?" और यीशु ने कहा, तुम मुझे भला क्यों कहते हो? There is only one who is good. क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा है जो अच्छा या भला है. God is the only one who is good. और वो है पिता परमेश्वर जो भला है. Amen. Amen. So by saying that, और ये कहने के द्वारा, he is telling that man, वो उस मनुष्य को ये बताना चाहता है, you are acknowledging me as God. कि तू मुझे परमेश्वर के रूप में जानता है. I am also very happy to see one of my old members here. और आज की सुबह मैं एक बहुत पुराना सदस्य जो हमारे कलीसिया के थे उनको भी आज की सुबह यहाँ देखकर बहुत आनंदित हूँ. एंड ही हैज बीन वेरी फेथफुल हियर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. और वो बहुत विश्वास योग्य से हमारी कलीसिया के प्रति, उनके बच्चे, उनकी पत्नी. देन ही मूव्ड टू आगरा ऑन ट्रांसफर. और तब उसका उनका स्थानांतरण हुआ और उनका आगरा में वो चले गए. एंड ही स्टिल इन आगरा. और वो अभी भी आगरा में ही है. एंड आई एम नाइस, सो नाइस टू सी विजय आर्दर. और आज की सुबह भाई विजय आनंद को देखना मुझे बड़ा आनंद का विषय है. प्रेज द लॉर्ड. आर्दर विजय आर्दर भाई को देखकर मैं बड़ा आनंदित हूँ. आमेन. एंड आल्सो वेलकम ऑल ऑफ यू. और आप on vacation and now returned. और आप सबका भी स्वागत करता हूँ जो छुट्टी में वापस लखनऊ लौटे हैं, खास रीति से जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं. एंड सो इज देयर एनीवन लाइक दैट यू आर ऑन वेकेशन नाउ यू आर बैक? आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टी लिया था, छुट्टी पर गए थे और वापस आ गए? नोबडी. कोई भी नहीं. एंड द लॉर्ड ब्लेस यू. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. एंड दिस मॉर्निंग Where are we seated? और आज की सुबह हम कहाँ पर बैठे हैं? We are seated in our heavenly Father's house. हम अपने स्वर्गीय पिता के घर में बैठे हैं. This is the house of God. और ये परमेश्वर पिता का घर है. It is dedicated for the worship of God. And for the teaching and preaching of God's unchanging word. और इस स्थान को समर्पित किया गया है परमेश्वर की ना बदलने वाली शिक्षाओं और वचन का प्रचार या सिखाने के लिए. And the church is not meant for anything else. और कलीसिया किसी और दूसरे स्थान बात के लिए नहीं है. It is solely to worship our God and honor Him. And teach His word. और ये इसलिए है कि इस भवन में हम परमेश्वर का आदर करें, अपने परमेश्वर की शिक्षाओं और वचन को आपको सिखाएं. And this morning, और आज की सुबह, I would like to take a very short and brief class. और आज की सुबह मैं एक बड़ी ही छोटी कक्षा या समय आपके बीच एक मनन का रखूंगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. That's very encouraging. How many of you love the Lord Jesus Christ? आप में से कितने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? If you love the Lord Jesus Christ, your house
belongs to Jesus. और याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो आपके घर प्रभु यीशु मसीह के हैं. Every house has many books. और हर घर में कई सारी किताबें होती हैं. Even poor families will have some book. और यहाँ तक कि गरीब परिवारों के घरों में भी कुछ किताबें होती हैं. In a home, in a house which belongs to Jesus, what should be the most important book? और एक ऐसा घर जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी होनी चाहिए? The Holy Bible. वो है पवित्र बाइबल. It is called holy because this book is a message from a holy God to all of us. क्योंकि और इस पुस्तक को पवित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर का संदेश है हम सब के लिए. Don't treat it as a religious book. और इसे कोई धर्म का पुस्तक आप ना समझिए. It is not just a religious book. ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है. It is nothing else but God's message. When you read the Bible, you are actually hearing God's message to you. और ये और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन या संदेश है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं ये परमेश्वर अपना संदेश आपको देता है. And it is with that kind of an attitude we should approach this Bible. और इसी प्रकार के स्वभाव के संग हमें इस बाइबल के निकट आना. And this book also has life. और इस पुस्तक में जीवन भी है. Anything that lives makes some noise. और ऐसी कोई भी बात जो जीवित है वो कुछ आवाज करती है. And this being God's book, it speaks. और क्योंकि ये परमेश्वर की पुस्तक है ये हमसे बात करती है. So when you read the messages, chapters from the Bible. और इसलिए जब आप बाइबल से उन अध्यायों को पढ़ते हैं, you are actually listening to the voice of God. तब आप स्वाभाविक रूप से, वास्तविक रूप से परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं. And there should be no other book as important as the Bible in your home. और कोई दूसरी पुस्तक आपके घर में बाइबल से ज्यादा बड़ी या महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए. And it must be read daily. और इससे प्रतिदिन पढ़ा जाना चाहिए. Personally. व्यक्तिगत रूप से. And with a family. और पारिवारिक रूप से. Personally, you must read for your study. और इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है अपने अध्ययन के लिए. You want to know what the Bible teaches. और आप खुद ये एक लालसा, एक भूख को रखिए कि वचन क्या कहता है. And with the family, you must sit together and read the Bible. और एक परिवार के संग भी आपको बैठना है और पढ़ना है. And there is a message for individuals, for families, for everyone. और एक संदेश है एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और हर एक के लिए जो इस वचन को पढ़ता है. So because it is God's word. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है. So don't treat this book shabbily and carelessly. और इसे इसीलिए इस पुस्तक को बड़ी हल्की रीति से या असावधानी से इसके संग व्यवहार ना करें. To be read once in a while, we जिसे आप जब मन करता है तब पढ़ते हैं. And only certain passages we और कुछ पसंदीदा जो अध्याय हैं या वचन हैं उनको पढ़ते हैं. All of you must learn to read systematically. आप सबको एक तरीके से इसे पढ़ना आना चाहिए. And if you want to know how I do, और इसे क्रम अनुसार करना चाहिए. और अगर आपको जानना है मैं कैसे करता हूँ. Of course, I need several chapters from the Bible. और मैं तो कई सारे अध्यायों को एक साथ बाइबल से पढ़ता हूँ. But what I do is some chapters I read from the Old Testament. मैं करता ऐसा हूँ कि कुछ अध्यायों को पुराने नियम से पढ़ता हूँ. And some chapters I read from the New Testament. और कुछ अध्यायों को मैं पढ़ता हूँ नए नियम से. That's the way you should start. And if you have been doing that, और अगर आप ऐसा करते हैं, if you have not been doing it, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, I will advise you to start. तब मैं आपसे को ये परामर्श देना चाहूंगा, कृपया करके इसे शुरू करें. Start from the book of Genesis. और उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू करें. You know the word Genesis means the beginning. और उत्पत्ति जो किताब, इसका नाम उत्पत्ति इसलिए क्योंकि इसका मतलब है आरंभ या उत्पत्ति किसी बात. There are 50 chapters. और वहां पे 50 अध्याय हैं. These chapters records the beginning of everything. और ये 50 अध्याय हर एक बात के आरंभ को वहां पर लिखते हैं, बताया गया how everything began. कि कैसे हर एक बात की शुरुआत. So it is good to read.
तो इसलिए ये भला है, अच्छा है कि हम पढ़ें। And as you progress in reading, और जैसे आप अपने पढ़ने में आगे बढ़ते हैं, then you get into more serious matters. तब आप और गंभीर बातों को सीखेंगे और पढ़ेंगे। And then you also read from New Testament. और उसके बाद आप नए नियम से भी पढ़िए। And so may the Lord bless you and help you. When you read, before you read, pray this prayer. और इसलिए जब आप पढ़ते हैं, उस पढ़ने से पहले इस प्रार्थना को जरूर करिए। Lord. परमेश्वर, I am reading your word. कि मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ. Your word cannot be understood by human wisdom. और तेरे वचन को मैं अपने मानवीय बुद्धि से समझ नहीं सकता. So I need your wisdom, Lord. अब इसलिए मुझे तेरे स्वर्गीय बुद्धि की, ज्ञान की आवश्यकता है. Fill me with the Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर. And let the Holy Spirit help me understand what I read. और होने दे तेरा पवित्र आत्मा मेरा सहायता करे कि मैं उन बातों को समझने पाऊँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ. And as you read, और जैसे आप पढ़ते हैं, if you don't understand anything, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, make a note of it. उस बात को आप लिख लीजिए. And then ask us. और हमारे पास आइए, हमसे पूछिए. We'll be happy to help you. और हम आपकी सहायता करेंगे. And so today, this morning, very briefly, I want to convey to you four important things about the Bible. और इसलिए आज की सुबह बड़े छोटे समय, बड़ा कम समय लेते हुए मैं बाइबल के विषय में चार बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ. As I told you, जैसे मैंने आपको बताया, Bible is God's word. कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है. Bible is God's message. और बाइबल परमेश्वर का संदेश है. That is why it is important. और इसी कारण वर्ष ये महत्वपूर्ण है. More than man's message. इससे कहीं ज्यादा, एक मानव का संदेश से कहीं ज्यादा. More than listening to our prime ministers or team ministers' speeches. और इससे ज्यादा कि हम अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के भाषणों को सुने, उससे कहीं ज्यादा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट आवर गॉड इज सेइंग. वो उससे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है. सो नंबर वन रीजन इज, और पहला कारण ये है. देयर आर फोर रीजन, चार कारण है. नंबर वन, पहला कारण, गॉड यूजेस हिज वर्ड टू क्लेंस अस. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का प्रयोग करता है हमें शुद्ध करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू नो वी ऑल नीड क्लेंसिंग विदिन एंड विदाउट. और आप में से कितनों को ये पता है कि हमें शुद्ध किए जाने की आवश्यकता है, भीतरी और बाहरी दोनों रूप से. यू नो यू थिंक दैट बाहरी रूप से नहाते हैं हम, इसे साफ हो जाएगा. हम ऐसे सोचते हैं. सिर्फ गंदे चीज अगर हमारे ऊपर आएगा वो साफ हो जाएगा, लेकिन डू यू नो दैट वी कैन मेक आवर बॉडी अग्ली एंड डर्टी इन द साइट ऑफ गॉड. क्या आपको ये पता है कि हम अपने देह, अपने शरीर को अशुद्ध और गंदा बना सकते हैं परमेश्वर की नजरों में. यू नो इट इज जस्ट लाइक स्पॉट्स ऑन आवर क्लोथ. और ये इसी समान है जैसे हमारे कपड़ों पर कोई दाग लग जाए. एंड देन वी ऑल्सो गेट रिंगल्स एज वी ग्रो ओल्ड. और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो झुरियां भी आने लगती है. यू नो हाउ द स्पॉट, द सेम वे देर आर स्पॉट्स वी कैन मेक आवर बॉडी डर्टी बाय नॉट obeying God's word. और इसी प्रकार से उन दाग और धब्बों के समान हम अपने शरीर को भी गंदा कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति को ना करने के द्वारा. We misuse our body. हम अपने शरीरों का गलत उपयोग करते हैं. Mistreat our body. अपने शरीरों को गलत रीति से उसके संग व्यवहार करते हैं. And treat our body and make it dirty. और अपने देह को हम गंदा बनाते हैं और गंदी रीति से उसके संग व्यवहार करते हैं. You may ask me how. आप पूछ सकते हैं कैसे. I will openly tell you how. मैं बड़े खुले ढंग से आपको बताऊंगा कैसे. When you have an immoral life. जब आपका जीवन अनैतिक है. You know, you all understand immoral. क्या आप सबको अनैतिक जीवन समझ में आता है? You all understand? क्या आप सबको समझ में आता है? What is immorality? कि ये अनैतिकता है क्या? Immorality is having a sexual relationship with a woman who is not your wife. और अनैतिकता का मतलब है आप व्यभिचार के पाप को करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं एक दूसरी महिला के संग जो आपकी पत्नी नहीं है. If you are married. अगर आप शादीशुदा हैं. You have your relationship only with your wife. क्योंकि
बाइबल अनुसार तो आपका रिश्ता सिर्फ आपके पत्नी के संग होना Not चाहिए another woman. ना कि किसी दूसरी स्त्री के When साथ you do that, जब आप ऐसा करते you हैं are committing idolatry. जब आप ऐसा करते हैं idolatry, adultery. जब आप ऐसा करते हैं तो आप व्यभिचार के पाप को करते हैं And then if you are not married, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है Still you are not allowed to have any sexual relationship with a person who is not married to you. फिर भी आपको बाइबल अनुसार ये अनुमति नहीं है कि आप किसी दूसरी स्त्री या महिला के संग शारीरिक संबंध When को बनाएं। you do that, जब आप ऐसा करते you हैं, are making your body unclean in the sight of God. जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी देह अपने शरीर को परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध और गंदा ठहराते हैं You must always remember that. आपको इस बात को हमेशा याद रखना है And we are, you know, sex is a God-given gift to man. और याद रखिए ये यौन संबंध परमेश्वर के द्वारा दिया गया मानव के लिए एक तोहफा है Man and woman. और जो मनुष्य एक मानव एक मनुष्य व्यक्ति है पुरुष और स्त्री के बीच in का God's है। mercy and love. और परमेश्वर की दया और अनुग्रह में But he also has given us a manual. लेकिन उसने इस बात के लिए एक नियम को भी हमें दिया है When and where this Sex can be used. कि किस समय और कहां पर आप ऐसे संबंध को बना सकते हैं Within the frame of marriage. और इसकी अनुमति सिर्फ एक शादीशुदा जीवन में दी गई है Only within that marriage relationship, this sexual relationship should be accomplished. और सिर्फ एक शादीशुदा जीवन में ही उस शारीरिक संबंध को बनाने का अनुमति बाइबल में दिया It गया is not for anything else. और किसी और बात के लिए नहीं And when you misuse this sex, और जब आप इस बात का गलत प्रयोग करते you are making your body unclean. तब आप अपनी देह अपने शरीर को अशुद्ध बनाते हैं You cannot remove that uncleanness with soap और or detergent. याद रखिए इस अशुद्धता को आप किसी साबुन से नहीं धुल सकते You cannot put yourself in the washing machine and come out clean of that या अपने आप को किसी वॉशिंग मशीन में डालकर वहां से बाहर निकल नहीं सकते शुद्ध रूप में there is nothing that can remove that uncleanness याद रखिए ऐसी कोई भी बात नहीं जो उस अशुद्धता को आपके जीवन से दूर कर पाए it is a sin always condemned by our god और ये एक ऐसा पाप है जिसको हमेशा परमेश्वर ने दोष लगाया so if you want to enjoy sexual life और इसलिए अगर आप इस शारीरिक संबंध का आनंद उठाना चाहते हैं you must be legally married to a woman tab aapka ek kanuni roop se vivah hona chahiye ek stri ke sath and within that relationship aur us rishte ke bhitar but today what happened is lekin in dinon mein aaj ke dinon mein kya ho raha hai so much sexual immorality कि कितना सारा व्यभिचार हम देखते हैं चारों ओर हस्बैंड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री या एक कंपनी एक पति है वो किसी कार्यस्थल में है किसी कंपनी में काम करता है समटाइम्स ही हैज टू गो आउटसाइड फॉर विजिटेशन कई बार उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ता है एंड सम पीपल लाइक टू हैव अ वुमन वेयरएवर दे गो और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जिस भी स्थान पर वो जाएं उन्हें एक स्त्री चाहिए वुमन आल्सो आर डूइंग द सेम थिंग और स्त्रियां भी ऐसा ही करती हैं दैट इज वे वी कीप We make our body unclean in the sight of God. और ये इसी रीति से हम अपनी देह को परमेश्वर की समुख अशुद्ध ठहराते हैं। Such immorality is severely condemned by God in the Bible. और ऐसी अनैतिकता को परमेश्वर बड़े कठोर रूप से दोषी ठहराता है पवित्र वचन में। So don't use your sex saying it is God created, so I can use it. It is not to be used as you please. और इसलिए ये कहकर बहानाबाजी ना करें कि परमेश्वर ने इन इच्छाओं को मेरे भीतर दिए इसलिए मैं कर रहा हूँ मेरे क्या गलती है इसका गलत उपयोग ना करें सो इफ यू आर सो मच इन अर्जेंसी टू यूज इट अगर आपको इतना ही लालसा है इतना ही जरूरत दिखती है गेट मैरिड आप शादी कर लें Have a legal wife. एक कानूनी रूप से विवाह हो और आपके पास एक पत्नी हो And they are free to have sex with your legal wife. और तब आपको यह अनुमति बाइबल अनुसार है कि उस शारीरिक संबंध को उस वैवाहिक जीवन में आप And रखें। Then there are so many other ways we make our body unclean. और कई और दूसरे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को अशुद्ध ठहराते हैं। You become a drunkard. हम पीने वाले बन जाते हैं एंड वी टेक ड्रग्स और हम जो नशा करते हैं एंड यू हैव तंबाकू वो तंबाकू खाते हैं एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम
और समस्या क्या है? If there is anyone here listening to me who eats tambaku and all, please listen. You are unnecessarily inviting cancer into your mouth. और याद रखिए, यहाँ पर अगर इस स्थान में आज की सुबह कोई ऐसा बैठा है जो तंबाकू खाता है, तो आप उसे खाकर पहले तो अपने जीवन में कैंसर को ला रहे हैं। And the drinking habit, if it is a habit in your life, then that can make you terribly sick as the days go by. और अगर आप यक्कड़ हैं, पीने की आदत है, तो वो बात भी आपको बड़ी भयानक रीति से, गंभीर रीति से बीमार कर सकती है। So keep yourself away from all these things that will make your body destructive. तो इसलिए अपने आप को इन बातों से दूर रखिए जो आपके शरीर का नाश करती हैं। And let us turn to Psalm number 119. और आइए भजन संहिता 119 की ओर हम देखें। Verses 9 to 11. और 9 वचन से लेकर के 11वें वचन तक। Now everyone open your Bible and look into it as Pastor Mahendra reads it in his Bible. और कृपया करकर आप अपनी बाइबल खोल लीजिए, भजन संहिता 119 नवे वचन से लेकर 11वें वचन तक। जब मैं पढ़ूंगा, आप भी मन में अपनी बाइबलों में पढ़िए। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, कृपया करके सावधानी से आप सुनिए। गॉड गिव्स अस द प्रिस्क्रिप्शन, और परमेश्वर ने यहाँ पर एक दिशा निर्देश हमें दिया है। What is the prescription to keep yourself from sinning? और यहाँ पर एक दिशा निर्देश है कि कैसे हम अपने आप को पाप करने से रोक सकते हैं। Okay, listen to this. और ध्यान पूर्वक सुनिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? You know, how can you keep yourself clean in the sight of God? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कैसे? तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन को हम कहाँ देखते हैं? इसमें। That is why we need to read it daily and then think what you और इसीलिए प्रतिदिन हमें इस बाइबल को पढ़ना है और देखना है कि इसमें क्या लिखा है। Young people, जवान लोग, this is addressed to you, ये आपके लिए लिखा गया है खास रीति से। There is this terrible temptation, एक एक भयानक परीक्षा आपके लिए आती है। Temptation is not sin, और याद रखिए, पाप परीक्षा अपने आप में पाप नहीं होती। Jesus was tempted, क्योंकि यीशु की भी परीक्षा ली गई। The devil did not spare even Jesus, और याद रखिए, शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। Do you think he is going to spare you? क्या आपको लगता है वो आपको छोड़ेगा? No, the devil will come after you and give you enough temptation. लेकिन वो शैतान तो आपके पीछे आएगा और कई सारी परीक्षाओं को भी लाएगा। But when a temptation turned into sin? लेकिन कब एक परीक्षा पाप बन जाती है? When you yield to that temptation. जब आप उस परीक्षा में खुद को दे देते हैं। Temptation will come. क्योंकि परीक्षाएं तो आएंगी। Even you know there are we I have a little sugar problem. अब मुझे जो है शुगर की समस्या है। But it is always controlled. लेकिन वो हमेशा एक नियंत्रण में रहता है। You know how I control? आपको पता है मैं कैसे अपना शुगर कंट्रोल करता हूँ? By dieting. और मैं डाइटिंग करने के द्वारा, खाना कम खाता हूँ उसके द्वारा अपने। I take one tablet. और मैं एक गोली प्रतिदिन खाता हूँ। There is the I diet. And I am not tempted. I don't yield myself to temptation. और इसलिए मैं खुद को खाने के लिए नहीं देता हूँ, उस परीक्षा में नहीं पढ़ने फंसने देता हूँ। Everybody is eating ice cream. और हर कोई आइसक्रीम खा रहा है। And some there are certain ice cream I love so much. और कुछ ऐसी आइसक्रीम्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। And then there is one word. और एक शब्द, एक वचन है। अरे once in a while it is all right. कि कभी कभार खा लेना ठीक है। But the problem is. लेकिन समस्या ये है। This once in a while become almost every day. क्योंकि ये कभी कभार जो है फिर प्रतिदिन बन जाता है। How do you avoid? और कैसे आप इस बात से बच सकते हैं? Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद। I have the resistance power. कि मेरे पास वो प्रतिरोधक क्षमता है। It is not my strength. और ये मेरी शक्ति नहीं। God has given me that. परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दिया है। I just been to Kerala. अभी मैं केरला से वापस आया। What a wonderful food we had. और कितना बढ़िया खाना वहाँ पर so था। So much food and nice food. और हर प्रकार का बढ़िया खाना वहाँ पर था। All the food that I love. और ऐसा सारा खाना जो मुझे बहुत पसंद है। But then I always keep a knife over my throat. लेकिन मैं हमेशा एक चाकू को अपने गर्दन पर रख करके चलता हूँ। So that I don't eat it overheat. ताकि मैं ज़्यादा ना खाऊँ। And when I eat, क्योंकि जब मैं खाता हूँ, that is not sin.
वो कोई पाप नहीं. बट ओवर ईटिंग इज अ सिन. लेकिन ज्यादा खाना पाप है. How many of you know that? आप में से कितनों को ये पता है? It is in the Bible. और ये बाइबल में लिखा है. Overeating is a sin. कि ज़्यादा खाना खाना आपकी क्षमता से ज़्यादा जब आप खाते हो वो भी पाप. But none of us remember it. लेकिन हम में से किसी को ये याद नहीं. When we get the nice mutton or chicken biryani nicely made, oh, अरे. और हम में से कब किसी को जब मटन या चिकन बिरयानी बढ़िया लजीज वाली मिलती है तो आज थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे. Don't yield to temptation. और इसलिए परीक्षाओं में खुद को ना फंसने दे. And you will protect yourself. और अपनी रक्षा करें. So temptation will come. और इसलिए परीक्षाएं तो आएंगी. Here it says, how can you overcome and be a victorious person in the sight of God? और यहाँ इस वचन में लिखा है किस प्रकार से आप इन परीक्षाओं के ऊपर विजय पाकर एक जयवंत व्यक्ति के रूप में जी सकते हैं. Here it says, how can a young man keep his way pure. और नवे वचन में लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे. इसे by living according to your word. तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा. Read the word. वचन को पढ़िए. And think about what you read. और सोचिए जो आपने अभी पढ़ा. And direct and adjust your life according to God's word. और अपने जीवन को इस वचन अनुसार आप बना लीजिए. According to God's word. और परमेश्वर के वचन अनुसार. You cannot live according to your own way. आप अपने तरीकों से या अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते. Your own will way will dictate you. अरे you whatever you want you do. What's the problem? और आपका पुराना व्यक्तित्व आपका पुराना स्वभाव आपके ऊपर कब्जा करना चाहेगा और आपको ये कहेगा कि अरे करो कोई दिक्कत नहीं. And if you have wrong friends. और अगर आपके पास गलत मित्र हैं. Friends will encourage you. और वैसे दोस्त आपका जो है प्रोत्साहन करेंगे आपको आगे बढ़ाएंगे गलत कामों को करने. They want to drink. और वो तो पीना चाहते हैं. And they drink. और वो पीते हैं. And first you try to avoid. और पहले तो आप खुद को उस बातों से बचाते हैं. And the friends will mock you. और तब वो दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे. कैसे आदमी हो तुम कहाँ का है ये दुनिया का नहीं है. अरे चलो ये हमारे लिए है पियो. And enjoy करो. These are the words. और इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं. And then you yield yourself. और तब आप उस दबाव में आकर खुद को दे देते हैं उन बातों. You cannot be victorious by living according to your friend's word. याद रखिए आप कभी भी एक जयवंत जीवन को नहीं जी सकते अपने मित्रों के शब्दों के जीने के द्वारा. This book contains the right word. और याद रखिए इस पवित्र बाइबल में ही वो सही शब्द आपके लिए लिखा गया है. Live according to this word. और इस वचन के अनुसार आप जिए. And your life will be clean. और तब आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Lift up this Bible with you in your hand. आप अपनी बाइबलों को अपने हाथों पर उठाइए. And say, this is God's word. और कहिए ये परमेश्वर का वचन है. If I live according to this word. और अगर मैं इस वचन के अनुसार जीऊंगा. I can be clean. तब मैं शुद्ध रह सकता हूं. And you know when you are clean, जब आपको पता है आप शुद्ध होते हैं, there is a joy and there is a happiness within you. तब आपके भीतर एक शांति एक आनंद होता है. You are strong. और आप शक्तिशाली होते हैं. You are healthy. आप स्वस्थ होते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And what helps you to live clean life? The word of God. और कौन सी बात आपकी सहायता करती है शुद्ध जीवन को जीने के लिए परमेश्वर का वचन. And God uses God's word to cleanse us. और परमेश्वर अपने वचन का प्रयोग करता है आपको शुद्ध करने के लिए. Because God's word tells us what is wrong, what is right, and what is wrong. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ये बताता है कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है. And according to the word. और वचन के अनुसार. You avoid the wrong. आप गलत को इनकार करते हैं. And do the right. और सही बातों को करते हैं. It is not enough to avoid the wrong. और सिर्फ गलत को मना करना ही काफी नहीं. Then you must also do what is right. लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए आपको जो सही है उसे करना है. Oh Lord, हे परमेश्वर, give me the power of the Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए. To do what is right. ताकि मैं उस बात को करूं जो सही है. According to your word. तेरे वचन के अनुसार. And avoid the wrong. और ऐसी बातें जो गलत हैं उनसे दूर रहूं. I tell you when you live according to God's word. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर के वचन अनुसार जिएं. Amen. Amen. You will be free of guilt.
तब आपके अंदर कोई दोष की भावना नहीं होगी। You know, this guilt feeling is a terrible, terrible feeling. और याद रखिए, दोष का भावना बहुत ही भयानक एक भावना है। Don't allow yourself to be tempted. और इसलिए अपने आप को परीक्षा में ना फंसने दे। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Because God wants His children to be victorious always. क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि उसकी संतान, उसके बच्चे हमेशा जयवंत ठहरे। That's why He has given us the word. और इसीलिए उसने इस वचन को हमें दिया है। Secondly, दूसरी बात, we cannot have a clean home without the Bible. और याद रखिए, एक शुद्ध घर या भवन हमारे पास नहीं हो सकता बिना बाइबल के। If you want your home to be clean and to be joyful, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर शुद्ध रहे, आनंद बना रहे, you need to have this book as the most important book in your home. तब आपको जरूरी यह है कि आप इस पुस्तक को अपने घर में पहला स्थान दें, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दें। That doesn't mean having the Bible in your home somewhere in the shelf will keep you clean. इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घरों में अगर आप इस पवित्र बाइबल को उठाकर एक अच्छी जगह शेल्फ पे रख दे तो आपके घर शुद्ध हो जाएंगे। What is in the book, जो कुछ इस किताब में है, must get into our heart. वो आपके हृदय में आना भी जरूरी है। Amen. Amen. And everybody say this. और हर एक जन ये इस बात को कहे। What is in the Bible, जो कुछ बाइबल में है, must get down into my heart. उन बातों को मेरे हृदय में भी आना जरूरी है। It is then that you can live a victorious life. और तब अगर ऐसा होगा तो आप एक जयवंत जीवन को जिएंगे। The Holy Spirit will use God's word at the time of your need if you continuously read and hide His word in your mind. अगर आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने पवित्र वचन का प्रयोग करेगा आपकी सहायता करने के लिए, अगर आप निरंतर उसके वचन को अपने हृदय में रखें। So my children, और इसलिए मेरे बच्चों, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I urge you, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, let your home be a happy home and a joyful home by having the Bible in your heart. Memorize it and follow it and live accordingly. होने दे आपके घर खुशी के घर, आनंद के घर, शांति के घर ठहरने पाए जब आप इस बाइबल को पहला स्थान देते हैं अपने घरों में। I tell you, मैं आपको बताता हूँ, it is not the abundance of food and clothes and all these things that brings joy and happiness in your home. याद रखिए, ये कोई ज्यादा या अच्छा खाना नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं, या और कोई दूसरी आर्थिक आशीषें नहीं जो आपको आनंद देंगी। I grew up in a home where my parents could not provide me nice clothes and enough food. और मैं तो ऐसे एक घर में मेरा पालन पोषण हुआ, बढ़ना हुआ, जहां मेरे माता पिता मुझे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना नहीं देते। Our school timings when we were growing up was always from 10 o'clock till 4 o'clock. और हमारा जो विद्यालय का समय था वो था सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक। So from home we eat our breakfast. और इसलिए घर से हम सुबह का नाश्ता करके निकलते थे। And for lunch we all day everybody brings their tiffin. और इसलिए जो दोपहर का खाने के लिए हम सब अपना अपना टिफिन लेकर के आते थे। And during that break we go and have our break by 1 o'clock. और 1 बजे दोपहर में हमारा लंच होता था, हम अपना टिफिन लेकर के जाते। And then 4 o'clock we are free, we go home. और 4 बजे छुट्टी होती थी विद्यालय की और हम सब घर लौट आते थे। I have never had the privilege of taking a tiffin to school. Throughout my life. और मेरे पूरे जीवन भर में मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे पास ये सौभाग्य नहीं था कि मैं एक टिफिन को लेकर विद्यालय जाऊं। I see all my friends, you know, having tiffin during break. और मैं देखता था मेरे सारे मित्र अपना वो खाने के दोपहर के खाने के समय अपना अपना टिफिन खा रहे हैं। But I didn't have. लेकिन मेरे पास नहीं था। Because we didn't have. क्योंकि हमारे पास नहीं था। And when many times we go home. और कई बार जब हम घर जाते थे। There is no dinner also. और रात का खाना भी नहीं मिलता। That's the way I grew up. और ऐसे ही मैं बड़ा हुआ। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? I like to go back to the same life.
मैं दोबारा उसी जीवन में जाना चाहता हूं. Because I did not miss anything good. क्योंकि कोई भी अच्छी या भली बात को परमेश्वर ने देने से मुझे नहीं चुका. There was plenty of love. और बहुत सारा प्रेम वहां था. Plenty of joy. बहुत सारा आनंद मौजूद था. Plenty of singing. और बहुत सारा गीत और आराधना. And even when we didn't have dinner. और यहां तक कि जब रात्रि का भोजन नहीं होता. We still have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन था. As a family of our parents we all sat together and read the Bible. और एक परिवार के रूप में हम साथ में बैठकर वचन पढ़ते थे, आराधना करते थे, sang our song, अपने गीतों को गाते थे, and we prayed, और हम प्रार्थना करते थे, after prayer, और प्रार्थना के बाद, we used to go to bed, हम बिस्तर पे जाते थे, my father was a very good singer. और मेरे जो पिता थे बहुत अच्छे गीतकार थे. And he had this ability to sing and then tell the story. और उनके पास एक ये ऐसा एक खास गुण था कि वो गीत गाकर वो गीत की कहानी के रूप में बताते थे. That's how we learn all the Bible stories. और इसी प्रकार से हमने बाइबल की सारी कहानियों को सीखा. You take the story of Joseph. और वो यूसुफ की कहानी को लेते थे. And he's crying while he was in the well. और जब वो उस कुएं में फेंक दिया गया तो उसके रोने को सुनते थे. When my father used to sing that these scenes we used to cry. और जब वो मेरे पिता उन बातों को उन कहानियों को गाते थे तो हम रोते थे. Then the prodigal son. और वो उड़ाव पुत्र. And all these stories. और ये सारी कहानियां. हाँ, what a wonderful life. और कितना अद्भुत जीवन वो था. We will go to sleep. और हम सोने चले जाते. And we rise up in the morning. और हम सुबह उठते थे. Our stomach was empty. और पेट तो खाली था. But we never felt hungry. लेकिन हमें कभी भी भूख नहीं लगी. We were happy. हम खुश थे. That is the life I miss now. और ऐसे एक जीवन को मैं अब भी याद करता हूँ. We enjoyed life. हम अपने जीवन का आनंद उठाते थे. Because when you have Jesus. जब आपके पास यीशु है. Food and everything else is secondary. क्योंकि खाना और दूसरी आशीषें तो दूसरी बातें हैं. That is why I am standing where I am standing today. और इसी कारणवश आज की सुबह जहां मैं खड़ा हूं, इन्हीं आशीषों की वजह से खड़ा हूं. God's word. क्योंकि परमेश्वर का वचन. According to God's word, you live. परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप जिएंगे. And parents, let me urge you. और इसलिए जितने माता पिता मैं आपसे अनुरोध करता हूं. Collect your children in the evening. Collect your children in the evening. अपने बच्चों को शाम को वापस ले जाइए. Sit together. और साथ में बैठिए. Read the Bible to them. एक साथ वचन पढ़िए. And when the children can read. और जब बच्चे पढ़ सकते हैं. Buy a children's Bible. उनके लिए बच्चों का बाइबल खरीदिए. Let them read. उन्हें दे वो भी अपनी बाइबल पढ़े. Don't let them carry this machine, whatever that, what do you call, cell phone. और उनको वो सेल फोन आप मत दीजिए. Now cell phone is our companion. क्योंकि अब ये सेल फोन जो है वो हमारा मित्र बन चुका है. No communication. अब और कोई भी बात करनी हो. No parents and children communication. माता पिता बच्चों के बीच में कोई no बात नहीं. No wife and husband communication. और पत्नी और पति के बीच में कोई बातचीत नहीं. Husband is sitting with the TV. और जो पति है वो टीवी के सामने बैठा है. And the wife is watching another serial. और जो पत्नी है वो कोई सीरियल देख रही है. And where are the children? और बच्चे कहाँ हैं? One is somewhere in the compounds. और एक कोई है कहीं घर में किसी दूसरे. With that small thing called cell phone. और वो अपने मोबाइल के संग बच्चा खेल रहा है. सेल फोन इज अ कंपेनियन. और इसलिए अब वो सेल फोन उनका मित्र बन गया है. दैट इज हाउ फैमिलीज आर ब्रेकिंग डाउन टुडे. और इसी कारणवश परिवार टूट रहे हैं आज के दिन. वी आर रिप्लेसिंग आवर फैमिली विद समथिंग सम मशीन. और इसलिए हम अपने परिवार का जो सहभागिता है उसे एक सेल फोन से बदल दे रहे हैं. आई क्राई अनटू यू. मैं आपसे विनती करता हूं. डोंट मेक दैट मिस्टेक. ऐसी गलती को आप मत करिए. यूज द सेल फोन ओनली टू मेक कॉल्स और रिसीव कॉल्स. दैट्स ऑल. और इस सेल फोन का प्रयोग सिर्फ आप कॉल करने और कॉल उठाने के लिए करिए. इफ यू आर वाइज. और अगर आप ज्ञानी हैं. यू विल डू दैट. आप ऐसा ही करेंगे. मेनी लाइव्स आर लॉस्ट. और कई सारे जीवन खो गए हैं. मेनी चिल्ड्रन हैव डाइड बिफोर देयर टाइम. और कई सारे बच्चों की मृत्यु उनके समय से पहले हो गई है. बाय यूजिंग दिस सेल फोन. क्योंकि वो इन सेल फोन को बचपन से प्रयोग कर रहे थे. इट इज अ किलर. और ये एक मारने वाला. डोंट डू दैट. ऐसा ना करें. बी वाइज. बुद्धिमान बनिए. टुडे even an infant child does not drink milk unless this cell phone is in his hand. यहां तक कि एक नवजात शिशु भी आज के दिन दूध नहीं पीता जब तक ये मोबाइल फोन उसके हाथ में ना. Whose mistake is that? ये किसकी गलती है? Parents. माता पिता की. crying what is the answer? Give a cell phone. रो रहे हैं उसका उत्तर क्या है? अरे फोन दे दो. We are destroying our children. हम अपने बच्चों को नाश की ओर ले जा रहे हैं. Don't do that. ऐसा मत करिए. Follow Psalm 119 verses 9 to 11.
और भजन संहिता 119 नौवें वचन से लेकर 11वें वचन को अपने जीवन में लागू करें। यू कैन बिल्ड अ हाउस विद ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड आयरन। याद रखिए, घर को, एक भवन को तो आप बना सकते हैं पत्थर, ईटा, मोरंग और सीमेंट के द्वारा, बट यू कैन नॉट बिल्ड अ होम विद दीस। लेकिन एक घर को आप इन बातों से नहीं बना सकते। That is why I said, और इसीलिए मैंने कहा, यू कैन नॉट हैव अ हैप्पी क्लीन होम Without the Bible. इसीलिए मैंने कहा एक शुद्ध, आनंदित और शांति भरा घर तब तक आपका बाइबल के बिना नहीं हो सकता। If you read Ephesians chapter 5, अगर आप इफिसियों की पत्री उसके पांचवें अध्याय को पढ़ेंगे, you read something very interesting there, very important. और वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। Verses 26 and 27. और 26वां और 27वां वचन इफिसियों की पत्री। It says here, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, how Jesus is preparing His church. कि कैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा his है। Church is his bride. क्योंकि ये कलीसिया ही उसकी दुल्हन है। To make her holy, ताकि उसे शुद्ध ठहराए, cleansing, उसे शुद्ध करता जाए, cleansing her by the washing with water through the word, और उसे शुद्ध करता जाए अपने वचन के जल के द्वारा। God uses his word to cleanse us. और परमेश्वर अपने वचन का प्रयोग करता है हमें शुद्ध करने के लिए। And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और या कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। The Holy Spirit is preparing the church as the bride of Christ. और पवित्र आत्मा कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में तैयार कर रही है। And Jesus is doing it to present the church to himself. और यीशु मसीह ऐसा करता है ताकि वो कलीसिया को खुद को प्रस्तुत कर सके। How? कैसे? As a radiant church, एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में, without stain or wrinkle, जिसमें कोई कलंक या झुर्री नहीं, or any other blemish, या किसी भी दूसरे प्रकार का अशुद्धता नहीं, but holy and blameless, लेकिन पवित्र और निर्दोष। Hallelujah! Hallelujah! How? कैसे? By using the word, अपने वचन का प्रयोग करने के द्वारा। You will have a wonderful home. आपका एक अद्भुत घर हो जाएगा। A home is built with love. याद रखिए, घर प्रेम से बनता है। A house is built with bricks and stones and cement. लेकिन एक भवन तो वो ईटा, मोरंग, बालू और सीमेंट से बनता है। Are you building your home? क्या आप अपने घर को बना रहे हैं? How? कैसे? There is always fightings and shouting and all. क्या हमेशा लड़ना चिल्लाना है? That is not what should happen in your Christian home. और ऐसा आपके मसीह घरों में नहीं होना चाहिए। Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। I have this burden. और मेरे पास एक ये बोझ है। That is why I am teaching you this. और इसीलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। When Jesus comes, जब यीशु आएगा, what kind of a church is coming? वो किस प्रकार की कलीसिया के लिए आता है? That is what it is here. Ephesians chapter 4 verses 26 and 27. इफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय 26 और 27वां वचन। Go home and read it. कृपया करके इस अध्याय पांचवे अध्याय को 26 और 27 वचन को जब आप घर पहुंचे पढ़िए। Jesus is preparing His church. यीशु मसीह अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. There should be no blemish. और कोई भी दाग नहीं। No spot. कोई भी कलंक नहीं या किसी भी प्रकार की झुर्री नहीं। You must be clean. आप शुद्ध होने चाहिए। It is the word of God that the Holy Spirit uses to make you clean. ये तो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर उपयोग करता है आपको शुद्ध बनाने के लिए। So read the word. और इसलिए वचन को पढ़िए। And live according to the word. और वचन के अनुसार जिए। And thirdly. और तीसरी बात। Your respect for the Bible. Now listen very carefully. और ध्यान पूर्वक सुनिए। Your respect for the Bible reveals your respect for God. पवित्र बाइबल के प्रति आपका आदर दर्शाता है कि आप परमेश्वर का कितना आदर करते हैं। I want all of you who believe this, repeat it after me. और आप में से जितने इस बात पर विश्वास करते हैं मेरे पीछे इस बात को दोहराइए। My respect for the Bible. मेरा आदर बाइबल के प्रति reveals my respect for God. प्रकट करता है मेरे आदर को परमेश्वर के प्रति।
The way Christians respect and treat the Bible at home, और जिस तरीके से एक ईसाई या एक मसीही अपने घरों में बाइबल के संग उसका आदर करता है, reveals your respect for God. वो दिखाता है, दर्शाता है आपका आदर परमेश्वर के लिए. Why? Who is the author of this Bible? क्योंकि इस बाइबल को लेखक कौन है, इसका लिखने वाला कौन है? God. परमेश्वर. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Whose message is it? और ये किसका संदेश है? God's message. परमेश्वर का संदेश. Whose word is this? ये किसका शब्द है? God's word. परमेश्वर का शब्द. Hallelujah. Hallelujah. And when you respect this book. और जब आप इस पुस्तक का आदर करते हैं. How do you respect this book? आप कैसे इसका आदर करते हैं? But you know, I respect the Bible so much, you know, and I won't allow any dust, so I lock it up in the shelf. और इसलिए आप कहते हैं कि मैं इस बाइबल का इतना आदर करता हूं कि मैं इसमें धूल भी नहीं बैठने देता, इसलिए इसे अलमीरा में बंद कर देता हूं. That is not respecting the Bible. और ये नहीं है बाइबल का आदर करना. Respecting the Bible is reading it. और आदर करना बाइबल का मतलब है इसे प्रतिदिन पढ़ना. Read continuously. और निरंतर इसे पढ़िए. Underline it. और जो वचन मुख्य है आपसे बात किया उस पर अंडरलाइन करिए. My Bible become dirty. और आप कहेंगे अरे मेरा बाइबल गंदा हो जाएगा. Let it become dirty. होने दे गंदा हो जाए. But the word must get inside of you. लेकिन होने दे वो वचन आपके हृदय में वास करने पाए. And when you live according to God's word. और जब आप परमेश्वर के वचन अनुसार जीते हैं. That is a happy home. तब वो एक आनंदित घर, खुशी का घर बन जाता है. Live according to this word. और इस वचन के अनुसार जिए. It will help you to live a clean life. और ये आपकी सहायता करेगा कि आप एक शुद्ध जीवन को जिए. And the way you respect and love the word of God shows how much you love God. And his instruction. और किस रीति से आप परमेश्वर के वचन का आदर और उससे प्रेम करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आप उस परमेश्वर से कितना प्रेम और उसका आदर करते हैं. So if you tell me, और इसलिए अगर आप मुझसे कहें you love God, कि अगर पासवान मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, and do not love the word, और the वचन Bible, से प्रेम या पवित्र बाइबल से प्रेम नहीं करता, you hardly touch the Bible, और आप छूते भी नहीं है इस बाइबल, how can you love God? तब कैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते? You don't love God's word, आप परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते तो कैसे उससे प्रेम करेंगे? Loving God is to love His word. परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि उसके वचन से love प्रेम करें. Love His message. उसके संदेश को प्रेम करें. Hallelujah. Hallelujah. It is His message that makes you strong in the Lord. क्योंकि ये उसी का संदेश है जो आपको प्रभु में मजबूत और सामर्थी बनाता है. So your respect for the Bible reveals your respect for God. और इसलिए याद रखिए, बाइबल के प्रति आपका आदर दर्शाता है आपका आदर परमेश्वर के प्रति. The measure of your respect. और किस माप से आप उसका आदर करते हैं? Please listen. Please keep this thing in mind. कृपया करके इस बात को अपने दिन में बनाए रखें. And lastly. और अंत में. What is the Bible? और ये बाइबल है क्या? Jesus Christ is the living word. याद रखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है. The Bible is the written word. और ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा एक लिखित वचन है. Both are the same. और दोनों एक ही है. The written word reveals the living word. और याद रखिए, ये लिखा हुआ वचन जीवित वचन को प्रकाशित करता है. Amen. Amen. What is written is what Jesus Christ is. और जो कुछ लिखा है वो ही यीशु मसीह है. So you cannot neglect this word. और इसलिए आप इस वचन के प्रति इसका तिरस्कार ना करिए. Because many young people make this terrible mistake. और क्योंकि कई सारे जवान ये भयानक गलती करते हैं. Thus they do wrong and fall into temptation. वो गलत करते हैं, उसके बाद परीक्षाओं में पड़ते हैं. This book will protect you. और ये पुस्तक आपका सहायता करेगा. Let us all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. I have spoken, given you a teaching this morning. और आज की सुबह मैंने आपसे बात की और आपको एक शिक्षा को दिया है. That will help you to live a joyful, victorious life. जो आपकी सहायता करेगा एक आनंदित और एक जयवंत जीवन को जीने में. Where Jesus is the king. जहां पर यीशु मसीह राजा है. Jesus is Lord. और यीशु मसीह ही प्रभु है. That home has to be a joyful home. तब उस घर का एक आनंद भरा घर होना अनिवार्य. Otherwise there will be discontentment and there is fighting and jealousies and लेकिन अगर ऐसा ना हो, इसके विपरीत हो,
तब तो वहां लड़ाई झगड़े और मार होगी. I pray that you will remember these things. और मैं मेरी प्रार्थना है कि आप इन बातों को याद रखें. Put them into practice. और इन बातों को अभ्यास में लाइए. What is God's word? कि परमेश्वर का वचन क्या है? What it is for? और वो किस लिए है? It is not to be bounded carefully and neatly and then admire it. वो वचन, ये पुस्तक आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप इसे प्रतिदिन साफ करके बड़े अच्छे से संभाल करके अलमीरा में रखें. But open it. लेकिन इसे खोलिए. Every day. प्रतिदिन. Morning and evening. और सुबह और रात. And any time in between. और किसी भी समय बीच में. Read. पढ़िए. Live accordingly. और इसके अनुसार जिए. You will be a great man. तब आप एक महान पुरुष या स्त्री होंगे. Pleasing God. और परमेश्वर को प्रसन्न करें. And when you honor God in that way. और जब आप परमेश्वर का आदर ऐसे करते हैं. God will honor you. तब परमेश्वर आपका आदर करेगा. How many of you want to be honored by God? आप में से कितने परमेश्वर के द्वारा आदर किए जाना चाहते हैं? You want to be honored by God? आप परमेश्वर के द्वारा आदर किया जाना चाहते हैं? Then honor God. तब आप परमेश्वर का आदर करें. And honor His word. और उसके वचन का आदर करें. The honor you give to the Bible will tells you how much honor you give to your God. और जितना आदर आप इस वचन का करते हैं दिखाएगा कि कितना आदर आप परमेश्वर का. हालेलुया. लिफ्ट अप आवर हैंड्स टू गॉड. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं. एंड लेट अस ओपन आवर माउथ एंड बिगिन टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड. और आइए अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे. हालेलुया. लॉर्ड वी गिव थैंक्स. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं. वी गिव प्रेजेस टू यू लॉर्ड. यू आर ग्रेट एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड. हालेलुया. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आराधना का योग्य परमेश्वर. आदर शिखर बहट खल हर हर दिग्जनस्ते ठीकर बहुफनेस्तर दिग्जन शोखलर दिया. हाले लुया हाले लुया हाले लुया. ओ यू डिसर्व ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर लॉर्ड. परमेश्वर सारा आदर और महिमा आप ही का है. यू डिसर्व ऑल द वर्शिप. सारी आराधना आप ही की है. यू डिसर्व अवर ओबीडियंस. और तेरे सारी आज्ञाकारिता के योग्य आप ही है. ओ लॉर्ड वी ब्लेस योर होली. हे परमेश्वर हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं. Fill us all with your Holy Spirit. हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे. That when we read your word. ताकि जब हम तेरे वचन को पढ़े. The Holy Spirit may help us to understand. ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे उस वचन को समझने में. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. You want your children to be victorious. क्योंकि तू चाहता है कि तेरे बच्चे जयवंत ठहरने पाए. You want your people to be overcomers. तू चाहता है कि तेरे लोग जयवंत से भी बढ़कर. I pray for my children here, Lord. और पिता इसलिए आज की सुबह में अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Young boys and girls. और जवान बच्चे लड़के और लड़कियां. Bless them, O Lord. और पिता इन पर तेरा आशीष होने पाए. Let their desire be for you. उन्हें इनका इच्छा और लालसा तेरे लिए हो. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Let the Lord's name be glorified in our life. उन्हें परमेश्वर का नाम को महिमा मिले हमारे जीवनों के द्वारा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.